जो 25 क्वेश्चन करवाए 26 से 30 बिल्कुल इसी मेथड से होने हैं या आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ जाती है प्रॉब्लम 31 से 32। 31 से 32 प्रॉब्लम में आपको उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है पावर की फॉर्म में। अब आपने उसको सॉल्व करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके ए प्लस ए ओटा बी की फॉर्म में लेके जाना है। ये दोनों बिल्कुल सेम मेथड से हैं, एक मैं आपको करवाऊंगी, एक आप लोग खुद करोगे। बस एक चीज़ याद रखनी है, जब प्रोडक्ट की बात हो रही होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है कि उसके अंदर आर वन इंटू आर टू और एंगल जेड होते हैं, और जब इनके डिवीजन की बात हो रही होगी तो फॉर्मूला क्या होता है आर वन ओवर आर टू और एंगल सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 31 में देखें, आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे, आपने सबसे पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे पोलर फॉर्म में। अब इसकी पावर 12 है, इसका मतलब ये है इसके एंगल के साथ भी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके एंगल के साथ भी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर 5 है, इसका मतलब ये 2 की पावर 5 अलग हो जाएगी, इसके एंगल के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके एंगल के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 की पावर 5 है, रेडियस रेडियस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे Z1 डॉट Z2 का फॉर्मूला लगाया इन फॉर्म ऑफ पोलर, लगाने के बाद इनके एंगल्स को ऐड कर दिया, रेडियस एक साइड पे कर दिए। अब ये करने के बाद देखें, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू है ये एडजेंट आपने कैलकुलेटर के अंदर पुट की, तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर सिंप्लीफाई होकर 16√3 + 16i आ गया। बहुत सिंपल है, जस्ट आपने पावर सप्लाई की, उसके बाद फॉर्मूला जो लगना था वो फॉर्मूला अप्लाई किया और एट द एंड कैलकुलेटर पे आंसर निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो सेम इसी मेथड पे है, जस्ट उसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे होंगे तो उसके ऊपर डिवाइड का फॉर्मूला लगाओगे और उसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, 34 सेम है, ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज़ बनाने के हैं, एक मैं आपको करवाऊंगी, एक आप लोगों ने खुद करना है। उसके अलावा बच्चों जो मैंने सॉल्यूशन सेंड किए हुए हैं आपको, उसके अंदर सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व किए हुए हैं। अब आप लोगों से कहा हुआ है डी मॉर्गन आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है n=2 के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी मॉर्गन फॉर्मूला क्या होता है। डी मॉर्गन फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल कोस एन थीटा प्लस एटा साइन एन थीटा, यानी कि अगर सिर्फ कोस और साइन पे कोई पावर अप्लाई करो तो वो एंगल्स के साथ उनकी पावर ऐड हो जाती है, ये आपके पास डी मॉर्गन फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में कहा वैन इक्वल्स टू 2 के लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा वैन इक्वल्स टू 3 के लिए करना है। 2 वाला मैं करवा दूंगी, 3 वाला आप करोगे। आपने क्या करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यू बताई हुई है वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, इनकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, रियल पार्ट कंपेयर करनी है, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने है, आपका आंसर आ जाएगा।